आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू डू फिजिक्स। फिजिक्स को हम कैसे करें, तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फिजिक्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिजिक्स करना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग। तो कैसे की जाए फिजिक्स? फिजिक्स में कोई डिस्कवरी करनी है, कोई नेचुरल फिनोमिना को आप बताना चाहते हैं मैथमेटिकली और अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो उसका क्या वे है, क्या मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स जिनको फॉलो करके या सिस्टमेटिक वे जिनको फॉलो करके आप कोई नई स्टडी कर सकते हैं, या अगर उनको आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी बाय नेचुरली वही तरीका है। जितने भी पुराने हमारे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने नई नई थ्योरी या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इसी मेथड्स को फॉलो किए हैं। सो दीज आर बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स टू डेवलप एनी फिजिकल लॉ और एनी फिजिकल एक्सपेरिमेंट टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स और द लॉज ऑफ नेचर बेसिकली। सो हाउ टू डू फिजिक्स से पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है आप लोग जानते हैं, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। लॉज ऑफ नेचर जिस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं वो सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। तो कैसे की जाए फिजिक्स, हाउ टू डू फिजिक्स? तो आपको फिजिक्स करनी है और आप कोई अपने आसपास कोई इवेंट देखते हैं, कोई ऐसा इवेंट जो आपके लिए बिल्कुल ही नया है, जिसको आपने पहले ऑब्जर्व नहीं किया, या आपको लगता है कि वाओ दिस थिंग इज रियली न्यू टू मी और आई डोंट नो ये साइंटिफिक इसकी थ्योरी है कि नहीं, पर आप उसको देखते हैं, तो जो सबसे पहला जो आपका वर्क रहा, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। किसी भी नेचुरल इवेंट को आपने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया, द फर्स्ट थिंग is observation. You observe that phenomena, that natural event. तो उस observation जब आपने की तो आपने देखा कि कोई event घटित हुआ और उस के होने में आपको कुछ feel हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये coincidence। For example, मान लीजिए आपने देखा कि स्काई का कलर ब्लू है, हालांकि ये अब वेल प्रूफ है कि क्यों ऐसा हुआ है, पर आपने मान लीजिए देखा कि स्काई का कलर ब्लू है और फिर आपने ऑब्जर्व किया कि मॉर्निंग और इवनिंग में इसका कलर जो है वो रेडिश और येलोश में आ जाता है, तो ये जो कलर का चेंज होना ये आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, तो इसके ऑब्जर्वेशन में आपने जो है उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे। मीन्स जैसे मान लीजिए आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आप खड़े हैं और ये आपका सनराइज हुआ, तब इसका एक कलर रेड है, यहाँ पे रेड है, और जब ये इस साइकिल में जा रहा है देन इट बिकम्स ब्लू, तब आपके दिमाग में धीरे धीरे कैलकुलेशन स्टार्ट होने लगेगी कि रीज़न क्या हो सकते हैं, इसका जो एंगल है वो हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जब आप देखते हैं आप पे लाइट आ रही है आपके पास, तो इस तरीके की छोटी मोटी आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होने लगेगी आपके दिमाग पे, और उसके बेसिस पे इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बेसिकली कि आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से ऑब्जर्वेशन करके देखा, आप अब डिफरेंट डिफरेंट क्या करने लगेंगे, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अप्रोच जो आप करेंगे वो है एक्सपेरिमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई लाइट मेरे पास आ रही है और क्योंकि सन से लाइट आ रही है, ये सन है, और सन से मेरे पास लाइट आ रही है और सन में तो सारे कलर है, तो ये ब्लू और रेड में होना कि
क्या रीज़न हो सकता है, यानी लाइट जब मेरे पास आ रही है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो आपने लाइट को मटेरियल पे डाल के देखा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपने देखा कुछ नहीं हो रहा है, फिर आपने और दिमाग लगाया और उसके बेसिस पे आपने सोचा कि ओके मेरे अराउंड एक एटमोसफियर भी है, एटमोसफियर में बहुत सारी गैसेज हैं, तो आपने फिर लाइट को डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से पास किया। तो जब आपने लाइट को डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से पास किया, तब आपको लगा कि हाँ इसके आउटपुट में कुछ चेंजेस लाइट की हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी में भी फ़र्क हो रहा है और इसके फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट रमन सर का था, उन्होंने ये सब बातें करके ये परफॉर्म करके दिखाया था कि लाइट का जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है व्हेन इट पासेस फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल और मीडियम। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर देंगे बाई डूइंग लॉट ऑफ लॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब आपको क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने से आपको क्या मिलता है, बहुत सारा डाटा मिलेगा, ठीक है। तो उस डाटा यानी जो आपको नंबर्स मिले हैं, उन नंबर्स पे आप देख के कि जो सीक्वेंस आ रहा है नंबर का कहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पैरामीटर घट बढ़ रहा है, आप एक रीजनिंग बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे, एक रीजनिंग। तो नेक्स्ट जो आपका काम होगा, ऑब्जर्वेशन कर लिया आपने, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए, अब उन एक्सपेरिमेंट्स का जो आपको रिजल्टेंट आया उस पर आप एक रीजनिंग बिठाएंगे। तो वो रीजनिंग बेसिकली यू कैन से दिट्स क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ऑब्वियसली ये रीजनिंग क्वालिटेटिव भी होगी। तो उस रीजनिंग यानी जो नंबर्स हैं उनके आंकड़ों को देख के आप एक रीजनिंग बिठाएंगे कि इसका जो वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, या जितने भी जो डाटा से आपको पैरामीटर्स बिठा के आप उसकी एक रीजनिंग करके आप एक कुछ आइडिया आपको लगेगा कि ये थ्योरी या ये फिनोमिना क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए, आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपने अपनी रीजनिंग भी बिठा ली। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब उस रीजनिंग के बेसिस पे क्या आपको इक्वेशन बना सकते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ऐसा हुआ है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जो फिर डाटा मिला उसके बेसिस पे फिर वो इक्वेशंस डेवलप किए, यानी इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक मेथड्स में मैथमेटिकल मॉडलिंग, दैट वी कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब आपने उस इक्वेशंस यानी जो रीजनिंग बिठा के जो आपको एक आइडिया मिला था उसके थ्रू आपने ऑल पैरामीटर्स के बीच में एक एक मॉडल बनाया, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया, और फिर जब आपका एक मॉडल बन गया, एक मैथमेटिकल एक आपने थ्योरी बना ली, उस थ्योरी को अब आप क्या करने वाले हैं, पुरानी थ्योरी जितनी भी हैं यानी पहले से जो एग्जिस्टेंस थ्योरी हैं उनसे अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जो लॉ आपने बनाया वो पहले से किसी ने बना रखा हो, या जो लॉ आपने बनाया है वो पुराने किसी लॉ को मॉडिफाई कर रहा हो, या वो लॉ बिल्कुल ही नया हो, या पुरानी किसी थ्योरी को बिल्कुल ही फेल कर रहा हो। तो ये सारे जो मॉडिफिकेशंस आप करेंगे वो किस में करेंगे, पुरानी थ्योरीज में, यानी या आपकी थ्योरी सही है कि नहीं इसका भी पता आपको तभी लगेगा जब पुराने लॉ से इनको चेक करेंगे। तो लास्ट जो पॉइंट बचता है वो है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, थ्योरी, ठीक है। तो पुरानी थ्योरीज को आप चेक कर लो कि भाई ये ठीक है कि नहीं, वो पुरानी थ्योरी जो आप उसे मैच करेंगे अपनी कि भाई ये हमारा जो लॉ है वो ठीक बैठ रहा है कि नहीं पुरानी से, या बिल्कुल ही नया लॉ है, या जो भी है फर्दर चीज़ें आप इसे देख सकते हैं। तो ये दीज आर द साइंटिफिक मेथड्स टू डेवलप एनी एनी फिजिक एनी एनी लॉ ऑफ नेचर थ्रू फिजिक्स सब्जेक्ट, ओके। तो ये है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। बट अगर आप ये बातें नहीं भी जानते हैं, उसके अलावा भी अगर आप कोई साइंटिफिक
थ्योरी या कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाले हैं तो भी आप इन्हीं रास्तों पे चलेंगे जाने अनजाने, ठीक है। पर अगर आपको ये बातें पता है तो आप थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में उसको करेंगे, पर जब भी आप रिसर्च करेंगे तो ओवरऑल आप इन्हीं रास्तों पे चल के अपनी थ्योरी डेवलप करेंगे। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि हाउ टू डू फिजिक्स, हाउ टू डू फिजिक्स और फाइंड न्यू लॉज ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस पे कमेंट करें और अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी फिजिक्स के टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और पढ़ाई करें।